press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक इंटरव्यू, जिसमें वो बात करेंगी सीए के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश में लागू हो गया, तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे और जानेंगे नाज़िया इलाही खान जी की पर्सनल राय। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। खान जी, जो एक CAA एक्ट है उसके साथ में और जो है वो कानून कुछ जो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है भारत में, इसके ऊपर हम जानेंगे कि वैसी जी और उस तक के साथ साथ बहुत सारे जो इंडियन मुस्लिम है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर है, या वो अगर सड़कों के ऊपर कुछ नहीं भी है तो इसके खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, बाकी बांग्लादेश और अफगानिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, खास तौर पर हिंदू माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, पारसी, जिन जिन के नाम इस एक्ट के अंदर हैं, वो सारे के सारे बहुत प्रॉब्लम है। खास तौर पर हिंदू तो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम का शिकार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो भारत शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो शिफ्ट होने जा रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो सोच रहे हैं कि वो शिफ्ट हो जाएं, लेकिन अभी उनके हालात इस कदर मुआफिक नहीं उनके लिए, तो वो भी यहाँ से जाना चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एक दिन ऐसा आएगा जिस तरीके से भारत इनको इनवाइट कर रहा है या ये एक्ट हुआ, तो पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। वजह सिर्फ आपको पता ही है कि वजह क्या है, कि हमारा जो यहाँ का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, हमारे लोगों का बिहेवियर इनके साथ अच्छा नहीं है, हमारी स्टेट इनको उनके राइट्स जो है वो भी प्रॉपरली इनको नहीं दिए जा रहे। लेकिन ये सारा होने के बावजूद जो भारत के मुसलमान हैं उनको इस चीज का इदराक क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं ये सारी हकीकत को रियलाइज कर रहे हैं कि ये एक लोग जो मजलूमियत का शिकार है पाकिस्तान में, अगर भारत के अंदर उनको लाकर आबाद किया जा रहा है, उनको नेशनैलिटी दी जा रही है, उनको इज्जत दी जा रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता ये? इसकी शुरुआत ना एक नाच से कर देती हूँ कि तुम रमजान का महीना है, बड़ी इबादत में मुब्तिला होते हैं हम, अपनी 24 घंटे का तकरीबन 4-5 घंटा तो इबादत में ही चली जाती है, हालांकि इबादत रोज करनी चाहिए, अल्लाह का तो सब दिन बनाया हुआ है। एक नाच मैंने बचपन में, मुझे मेरी नानी अम्मी ने सिखाया था, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए, एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी अंजामों को इंसान भूल गए। अभी समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। मुसलमान क्या कर रहा है? तो इसमें तो शैतान भी, शैतान का रोल भी है ना, और शैतान आपको पता है कि हर जगह पर पाया जाता है, वो इंसान के रूप में भी होता है। अच्छा, ऐसा अगर है तो कुदरत का अजीब निजाम है भाई, अल्लाह के मानने वाले पाकिस्तान भीख का कटोरा हाथ में लिए हुए हैं और प्रभु राम के को मानने वाले हिंदू आज चांद पर पहुंच रहे हैं। बड़ा अजीब निजाम है कुदरत का, मतलब मुसलमानों से अल्लाह बड़ा नाराज है भैया, सोचना तो पड़ेगा मुसलमानों को, है ना। अब आती है बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया, पुराना नहीं है, 1955 का है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है, और 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास किया गया था, और किसी भी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी ड्राफ्टिंग में, उसके सारे चीजों को बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो तकरीबन 4-4.5 साल के बाद उसको सही से ड्राफ्ट करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और नगाड़े बज रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, ये हर उन इस्लामिक देशों में बज रहे हैं जो लोग भारत आने के लिए बहुत सालों से मतलब परेशान हो रहे थे। अब इसमें अवेसी है या बहुत सारी खवातीन हैं जो जहादन हैं, जो टेंट कुछ पहनती हैं, बुरखा नुमा और कुछ नहीं पहनती हैं, नकाब नुमा, तो उसमें एक नाम शेरवानी का है, तो ऐसे लोग जो है वो रमजान जैसे मुबारक महीने में मुहर्रम का मातम स्टार्ट कर चुकी है,
तो जिनको जिनको दिक्कत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, टिकट टू पाकिस्तान, सीरिया या अफगानिस्तान खरीद सकती हैं, हमें कोई कोई आपत्ति नहीं है। अब बात आती है कि 8 अप्रैल 1950 को, आपको तो बिल्कुल पता होगा, लियाकत जी और नेहरू जी के बीच में एक 34 पन्ने का एग्रीमेंट हुआ था, 34 पेजेस का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें उन दोनों ने साइन किया था कि बंटवारे के बाद और इस्लामिक देश पाकिस्तान जिन्ना के भीख के कटोरे में देने के बाद जितने भी माइनॉरिटीज 21% पाकिस्तान में है और जितने माइनॉरिटीज भारत में, उन सबको उनके फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे और उनको अपनी जिंदगी और अपने रिचुअल्स और अपने धर्म का पालन करने का पूरा पूरा अनुमति और जगह दी जाएगी। अब देखिए कि हमारे भारत में 7 करोड़ मुसलमान आजादी के वक्त में थे मोर और लेस। आज हमारे भारत में अवेसी खुद ही चीख कर बोलता है, दारुल उलूम के मदनी जी खुद ही चीख कर बोलते हैं कि हमारे भारत में अब 20 करोड़ मुसलमान है, 72 फिरकों को मिलाकर 7 करोड़ से 20 करोड़ हो गए 76-77 साल में, मतलब 13 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब आती है बात कि 1947 में 21% में 13% पाकिस्तान में हिंदू थे, जो अब 1% हो चुके हैं। तो मुजफ्फर भाई, मेरे हिंदू भाई बहन कहाँ गए? मार डाला पाकिस्तानियों ने, चीर डाला, जला डाला, खत्म कर डाला, ऑर्गन उनका निकाल कर बेच डाला, कन्वर्शन भी करवा डाला। मेरे 12% हिंदू भाई बहन, माता बहने कहाँ हैं? हमें, हम अगर एक नारा बुलंद कर दे कि आजादी के वक्त मेरे जितने हिंदू भाई बहन थे वो मुझे वापस चाहिए, वापस चाहिए, तब क्या करेगा पाकिस्तान? अब आती है बात कि 1974 में बांग्लादेश में 13% हिंदू थे, 13.9% हिंदू थे, आज अभी 5.9% हिंदू है। कहाँ गए बाकी के मेरे हिंदू भाई? भाई भारत में तो 7 लाख मस्जिदें हैं, भारत में तो अनगिनत, हम गिन नहीं सकते मदरसे हैं, मदारस हैं, हम गिन नहीं सकते कितने इमाम बाड़े हैं, हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने मजार हैं, हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने शाही ईदगाह हैं और ईदगाहें हैं, हम तो काउंट नहीं कर पाएंगे, इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में हमारे जो हिंदू भाई बहन थे, हमारे जो जैन भाई बहन थे, हमारे जो बौद्ध भाई बहन थे, वो कहाँ हैं? कहाँ हैं? हमें रिटर्न चाहिए, हमें हमें उनका कब्रिस्तान बताइए, कहाँ फेंका, कौन से गटर और नाले में उनकी अतड़ियां निकाल करके फेंकी गई हैं पाकिस्तान में, वो भी हमें चाहिए। अगर ये नारा लगा दें तो आप क्या सोचेंगे? अब देखिए, पाकिस्तान की कुछ तारीफ मैं कर देती हूँ, क्योंकि आज कल रात से मुजफ्फर भाई, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के जिहादी मुसलमान, इवन आपके कुछ नेता आज तो पैनलिस्ट बन करके नेशनल न्यूज पर मेरे साथ बैठे थे, भारत के पैनलिस्ट बन करके, अच्छे से मैंने इज्जत उतारी है, अच्छे से तबीयत से इज्जत उतारी है मैंने। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिहाद के नाम पर पाकिस्तान ने 13% हिंदुओं को 1% में कन्वर्ट कर दिया, जिहाद के नाम पर अलकायदा ने अमेरिका में तबाही मचाई और कई अन्य देशों में तबाही मचाई और साथ में हमारे भारत में भी मचाई। दुर्योधन का नानेहाल अब इस्लामिक देश अफगानिस्तान बन गया, राजा भरत का नानेहाल कई अब इस्लामिक देश पाकिस्तान बन गया, खुद को कुशाई यानी प्रभु राम के वंशज कहने वाले अब खुद को अफ्रीकन बोलते हैं, अफ्रीका बन गया। भगवान गणेश और रामायण को आज भी मानने वाले इस्लामिक देश इंडोनेशिया बन गया। प्रभु राम के बेटे का बसाया हुआ लाहौर आज हैया अलल सला, हैया अलल फला और अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंजता है और हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम तो कोई कटाक्ष नहीं करते हैं कि ये क्यों हो रहा है लाहौर में, वो हमारे प्रभु राम के बेटे पुत्र का बसाया हुआ है। पर जब भारत अपने ही हिंदू भाई बहनों को, अपने ही माता बहनों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ला करके उनको भारत की धरती से मिलाना चाहती है, भारत की मिट्टी पर उनको सम्मान देना चाहती है, तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान को इतनी खुजली मच चुकी है और रमजान जैसे मुबारक महीने में ईद की तैयारी ना करके मुहर्रम का मातम स्टार्ट कर दिया गया है। अब बात आती है कि हम सबको पता होगा और आपको भी पता होगा कि हमारे भारत का पहला लॉ मंत्री जो था, लॉ मिनिस्टर जो थे, वो दलित थे। आपको ये पता होना चाहिए और व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के भी पहले लॉ मंत्री जो थे वो दलित थे।
ये बिल्कुल पता होना चाहिए, जिनका नाम था जोगेंद्रनाथ मंडल, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी जिन्ना को समर्पित कर, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी जिन्ना को बचाने में और जिन्ना की अश्लीलता को छुपाने में समर्पित कर दी, जिन्होंने पाकिस्तान को चुना वहां और वहां पर जिन्ना और लियाकत जैसे लोगों ने उनको चुन करके लॉ मंत्री बनाया, फिर ऐसा क्या हो गया कि उनको छुप करके भारत दोबारा आना पड़ा और पश्चिम बंगाल के गली कूचों में अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपा करके रहना पड़ा, ऐसा क्या हो गया कि जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने, जो पाकिस्तान के लॉ मंत्री थे, दलित थे, उन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा कि पाकिस्तान में रहना मुश्किल ही नहीं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, उनकी पर्सनल राइट जान के आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खासकर सीए के बारे में, और खासकर आपने देखा नाजिया खान जी ने विरोधियों से लेके पाकिस्तान को भी उधेड़ के रख दिया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए जबरदस्त लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।